The all-new Vootkids app brings you over 200 plus tunes to watch. अरे पतलू, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे दादाजी एक पहलवान थे। कभी उनका टॉपिक ही नहीं निकला, वरना बता देता। इसमें लिखा है पहलवान बनने के लिए पहलवानी हलवा खाने की जरूरत है और पहलवानी हलवा बनाने का तरीका इसमें लिखा है। तो चलो पतलू, क्यों ना हम लोग भी पहलवानी हलवा बना के बेचते हैं और लाखों कमाते हैं। अरे मोटू, लेकिन ये पहलवानी हलवा बना के किसी पर एक्सपेरिमेंट तो करके देख लो। अरे किसी पर क्यों, तुम्हारे ऊपर ही करते हैं। तुम्हें वैसे भी ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे मरियल दिखते हो। हो जाओ एक चुस्त दुरुस्त पहलवान बनने के लिए। चलो ये पहलवानी हलवा खा लो। इतना सारा, कहीं बाद में लेने के देने न पड़ जाए। अरे भैया, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, लिखा है हलवा बनाओ और खा लो। बड़ा ही टेस्टी हलवा है, मजा आ गया। नहीं, इसमें लिखा है हलवा सिर्फ एक चम्मच ही खाना था। अरे तो क्या हो गया, ज्यादा हलवा मतलब ज्यादा ताकतवर पहलवान। ज्यादा हलवा खाने से हिंसक प्रवृत्ति आ सकती है। मोटू, ये हिंसक क्या होता है? हिंसक? हाँ, अब समझ में आ गया। हिंसक से होता है हिंसक, यानी कि गुस्से वाला। तुमने मुझे हलवा खिला दिया। मोटू, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? अरे कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अब आराम से सो जाओ। उठो, जब देखो खाना और सोना, उठो। अरे कौन हो भाई? मैं हूँ पतलू पहलवान, भूल गए? तुमने मुझे कल पहलवानी हलवा खिलाया था। वाह यार पतलू, तुम तो बिल्कुल सॉलिड पहलवान बन गए। चलो अब तुम कुछ बड़े बड़े काम कर सकते हो। बहुत कर चुका मैं काम, आज से मैं करूँगा आराम और तुम करोगे काम। जाओ जाकर सफाई करो, कपड़े धो, खाना बनाओ और हाँ, सब काम टाइम पर हो जाना चाहिए, समझे? अरे पतलू, ये क्या कह रहे हो? आज तक तो ये सारे काम तू ही करते थे। लगता है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। जल्दी से शुरू हो जाओ वरना कान के नीचे एक दूंगा। ये पतलू तो सच में हिंसक प्रवृत्ति वाला बन गया। पतलू, तुम मुझ पर इस तरह हुकुम नहीं चला सकते। ये कपड़े पकड़ो और अभी जाकर धो। नहीं धोऊंगा। नहीं धोगे तो ये लो। तू कौन है? चेहरा तो पहचाना हुआ लग रहा है पर बॉडी मैच नहीं कर रही। मैं हूँ पतलू पहलवान। पतलू पहलवान? अरे तू पहलवान कब से बन गया? पतलू पहलवान से मतलब बन गया तो बन गया। तुमने बहुत दिल जाती की है, अब पंगा मत लेना वरना पटक पटक कर मारूंगा। अरे सिर्फ बॉडी बना लेने से कोई पहलवान नहीं बन जाता। ऐसा पंच मारूंगा कि सारा पहलवानी का बुखार अभी उतर जाएगा।
मतलब मैं पहलवान नहीं बन सकता, तो ये देखो। मोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पतलू ने भेज दिया, बोल रहा है कपड़े नहीं धोए तो मारूंगा। अरे उसने मुझे भी ऊपर भेज दिया। चिंगम सर को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो चिंगम सर, पतलू एक पहलवान। चाय वाले जल्दी से चाय लाओ, समोसे कचौरी मिठाई सब लेकर आओ जल्दी। अरे पहले ये बताओ तुम हो कौन? ऊपर से तो तुम पतलू ही लग रहे हो, पर नीचे से कौन हो भाया? मैं ऊपर से नीचे से सब जगह से पतलू ही हूँ। अब जल्दी से समोसे खिलाओ। ये लो भाया। और लाओ। ये भी लो। और अरे पतलू इतना डटकर खा रहे हो, पैसे भी हैं कि नहीं? अपने इतने पुराने दोस्त और कस्टमर से पैसे मांगेगा? अरे पहले पैसे दो, नहीं तो और समोसे नहीं दूंगा। हाँ तुम्हें पुरपुरी नगर में हिंसक काम करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। चिंगम के चक्कू से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ये पतलू को क्या हो गया है? कुछ करो, जल्दी करो। अरे क्या करूं चिंगम सर, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। डॉक्टर झटका और घसीटा राम को भी आने दो, फिर कुछ सोचते हैं। ओके बचाओ। काम बड़े भैया। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये पतलू को आज क्या हो गया है यार? हाँ पतलू ने पहलवानी हलवा। अरे भाया जल्दी कुछ करो यार। दादाजी की डायरी में ये जरूर लिखा होगा कि हिंसक से नॉर्मल कैसे बनते हैं। ओ मोटू मेरे भाई, मेरे यार, वो डायरी पतलू से चुरा लो। चलो हम सब एक साथ नीचे चलते हैं। हिंसक प्रवृत्ति के आदमी के साथ अगर कुश्ती की जाए तो वो नॉर्मल हो सकता है यार। मार छुटिया पापड़ वाले नू, मिल गया आइडिया। बुढ़ी बाबा, पर पोतलू के साथ कुश्ती करेगा कौन? हाँ, भैया हम सब में सबसे ताकतवर आप हो, पोतलू के साथ आप कुश्ती करो। हाँ मैं भेजू, लेकिन मैं क्यों? वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। लेकिन मैं अपने दोस्त को कैसे पीटू? अरे उसे हलवा भी तो मैंने ही खिलाया था। मोटू मेरे पाए, मेरे यार, रो मत। पतलू को ठीक करने का बस यही एक तरीका है। हाँ। पर बड़े भैया मैं उसका सामना कैसे करूँगा? वो मुझे बहुत मारेगा। ओ यार हम मरहम पट्टी का पूरा इंतजाम करके चलेंगे, तुम चिंता मत करो। अरे मोटू मेरे समोसे खाकर तुमने अच्छे अच्छों की धुलाई की है, तुम ही ये काम कर सकते हो। हाँ बड़े भैया, मरहम पट्टी के लिए तैयार रहना। पतलू बस अब। तुमने कपड़े धोए? कपड़े अभी नहीं। अरे पतलू मेरी बात तो सुनो। खाना बनाया? खाना नहीं। Oh!
मैं ये सब तुम्हें ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। अरे ठीक हो जा पतलू, ठीक हो जा। सॉरी मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मार रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें ठीक करने के लिए यही एक तरीका है। अरे पतलू ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। अरे मुझे बस करो, बस करो, मैं ठीक हो गया हूँ। अरे मुझे और कितना मारोगे? मोटू तुमने कर दिखाया। आप सबको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। I'm sorry, very sorry। नहीं पतलू, सब गलती इस डायरी की है। सही कह रहे हो, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे पतलू ये तो बताओ कि ये बांसुरी बजाएगा कौन? To watch more, download the all new Woodkids app and start your 30-day free trial today.